लेना है टैप 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 और इस तरीके से टैप टैप टैप। अगर आपके पास वो सीरम वाला बॉट है तो आप उसको ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कर लेंगे। मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से स्किन को अपलिफ्ट करिए। जब आप अपलिफ्ट करते हैं ना तो आपकी एज ऑफ साइंस खुद ब खुद ठीक हो जाती है। देखिए बहुत चीजें ट्राई कर लिए ना, एक बार इसे ट्राई करके तो देखिए झाइयां, पिगमेंटेशन कालापन, झाइयां बहुत ज्यादा अभी केसेस आ रहे हैं कि हाँ झाइयां बहुत जल्दी हो जा रही है, चेहरे पे बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना काले दाग धब्बे हो जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए बताते हैं इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा। हर वीडियोस में कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट है, अगर इससे आप प्रेस करेंगे तो हर दिन कुछ नया जो मैं ला रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और इस सीरम को प्रिपेयर कैसे करना है चलिए बताते हैं। बहुत सिंपल सा है और साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो आपके घर में आपके किचन में अवेलेबल है। तो चलिए बताते हैं इस सीरम को कैसे प्रिपेयर करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले मैंने अपना सबसे जो कहते हैं ना मुझे ना जब भी मैं इस बाउल को लेके आती हूँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे वाइप्स आता है, तो एक बाउल ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके सिर्फ स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन में ही आप इस्तेमाल करें। अच्छा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके स्किन पे वो ग्लो दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं हमेशा इस बाउल में और एक स्पून मेरे पास रहता है जो मैं स्किन केयर रूटीन के लिए ही फॉलो करती हूँ। तो ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल डर्ट नहीं होना चाहिए और जो कहते हैं ना स्पून भी आप साफ सुथरा ही ले, क्योंकि स्किन पे दे रहे हैं तो अच्छी चीजें देंगे। चलिए बताते हैं इसमें सबसे पहले क्या हम डालने वाले हैं, और सबसे पहले डालने वाले हैं एलोवेरा जेल। यस फ्रेंड, एलोवेरा जेल जो होता है ना हमारे स्किन पे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, जितने भी चेहरे पे दाने दाग धब्बे हो रहे हैं, उसे ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। और जब भी मैं सीरम प्रिपेयर करूं या क्रीम प्रिपेयर करूं, अगर एलोवेरा जेल डालती हूं तो मैं बाजारू डालती हूं, इसलिए डालती हूं क्योंकि वो स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आप प्लांट वाले इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चम्मच जैसा एलोवेरा जेल यहाँ पे भर करके ले लेना है। ये देखिए मैंने 2 चम्मच जैसा एलोवेरा जेल ले लिया है। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा होने वाला है रोज वाटर। यस फ्रेंड, रोज वाटर जो होता है ना वो आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, पिंक ग्लो देता है, एज ऑफ साइंस को से फाइट करता है, चेहरे को टाइटेन बनाता है। बहुत ज्यादा ओपन पोर की समस्या है, रोजाना रोज वाटर से आप स्प्रे करेंगे चेहरे पे, पोर्स बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं और आपकी स्किन पे ये सारे समस्या को बिल्कुल ये ठीक कर देता है। सबके वार्डरोब में रहता है बट आप इसका इस्तेमाल सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना आपने लिया है एलोवेरा जेल उसका दुगना आपको रोज वाटर डाल देना है। यानी कि हमने 2 चम्मच अगर एलोवेरा जेल लिया तो 4 चम्मच आपको रोज वाटर डालना है। आप इसे मिलाने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रीम टेक्सचर में बनाना है तो भी आप उसे थोड़ा टाइटली बना सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रोज वाटर ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ। तो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपकी एज ऑफ साइंस के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन को जो कहते हैं ना प्रोटीन देने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपकी स्किन पे क्या होता है ना विटामिन्स देने के लिए अच्छा है। आप जब हम बीमार पड़ते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन्स लीजिए, आप बहुत कमजोर हैं, आपकी बॉडी कमजोर है। उसी तरीके से स्किन पे भी ये बहुत अच्छे से विटामिन्स जो होते हैं ना वो जाकर के आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा काम करता है, ग्लो लाता है, चेहरे को बहुत ज्यादा शाइनियर बनाता है, आपके रंग को तेज करता है, आपके स्किन पे ग्लोइंग ग्लो लाना स्टार्ट कर देता है। हाइड्रेशन अगर चला गया है, रूखापन है, तो इसे भी ये ठीक करता है। आपको इस तरीके से विटामिन ई के कैप्सूल ले लेने हैं, इसे कर लेना है कट और इसमें ऐड कर लेंगे हम। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें आराम से आप इसमें डाल दीजिए और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसका स्मेल जस्ट वाओ, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, 2-3 रुपए में आपको एक कैप्सूल मिल जाएंगे। तो मैंने पूरा पैकेट लिया है तो मुझे एग्जैक्टली नहीं, मगर हाँ 2 से 3 रुपए में तो आपको मिल जाएगा, ये मैं कंफर्म हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पिगमेंटेशन कालेपन को भी हटाएगा, चेहरे पे दाग धब्बे को हटाएगा, चेहरे को ग्लोइंग बनाएगा, चेहरे पे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए उसे भी ठीक करेगा।
ये देखिए आपके जो सीरम का जो टेक्सचर होता है बिल्कुल उसी तरीके का टेक्सचर मेरा बन के हो गया है। और आपको क्या करना है, कोई भी सीरम के खाली बॉटल्स आपके पास है या क्रीम के खाली बॉटल्स है जो आप घर के में रखते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको उसमें बंद करके स्टोर करके फ्रीज में आपको एकदम निश्चिंत होकर 10 से 15 दिन के लिए रख देना है। तो ये जो मैंने बनाया है वो हफ्ता दिन तो चलेगा ही चलेगा गाइज। आपकी जो क्वांटिटी है ये हफ्ते दिन के लिए है, मतलब वीक के लिए है। अगर आप वंस अ डे करते हैं, मतलब नाइट में करते हैं, अगर ट्वाइस अ डे करेंगे तो 4-5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम बना लिया, चलो अब इसके बाद वीडियो नहीं देखना है, तो यहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। अगर सही तरीके से नहीं लगाइएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ मैं अपने स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ और हमेशा आपके सामने आती हूँ, एक्सेप्ट लिपस्टिक, चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया और लगाने का फायदा भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करना है। मैंने अपनी स्किन को पहले क्लीन कर रखा है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने अपनी स्किन को प्रॉपर वॉश किया है, क्लीन कर लिया है। अब क्या करूंगी, इस सीरम को अपने चेहरे पे लगाऊंगी। कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको लेना है टैप 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 और इस तरीके से टैप टैप टैप। अगर आपके पास वो सीरम वाला है तो आप इसको ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कर लेंगे। मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से स्किन को अपलिफ्ट करिए। जब आप अपलिफ्ट करते हैं ना तो आपकी एज ऑफ साइंस खुद ब खुद ठीक हो जाती है, चेहरे पे ग्लो खुद ब खुद आता है। मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बॉडी फेस रिलैक्सेशन फील करती है जिससे अंदर से ग्लो आता है। ये देखिए ये यहाँ पे होट है ना, लिप्स के जस्ट नीचे से आपको इस तरीके से कान के पीछे तक का ले जाना है। ये क्या कर रहे हैं हम, अपने जो यहाँ पे डबल चिन जिसको हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने स्किन को जितना अपलिफ्ट करेंगे आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी। उसके बाद आपको चिक से भी इस तरीके से लेके जाना है और आंख के ऊपर तक लेके जाना है। अभी आपको मैजिक दिख जाएगा जैसे ही मैं इसे ऐसे मसाज करूंगी और आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये देखिए बहुत ज्यादा लिफ्टेड लग रहा है और ये थोड़ा लटका लग रहा है। तो ये है सिर्फ कुछ सेकंड का कमाल, तो अगर आप रोजाना करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। तो आपको क्या करना है, इधर से भी उस तरीके से ही मसाज करना है। हर स्टेप्स को 5 times फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद इस तरीके से कंटूर करना है अपने चिक्स को, अपने चिन को, और अच्छे से अपने स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो लाने के लिए ये जो फेशियल मसाज मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा सा वर्क करता है। झाइयां या पिगमेंटेशन है, कालापन है, वो भी चला जाएगा, डार्क सर्कल्स है उसे भी ठीक कर देगा। आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आपको इसी तरीके से मसाज करना है अपने चेहरे पे रोजाना रात में सोने से पहले, चेहरे को पहले क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत तामझाम नहीं है, इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, रोजाना बनाने का प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ पर डे बनाना है पर डे लगाना है। आपको रोजाना इसको बना के स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। रात में सोने से पहले फेस वॉश करते हैं, नाइट स्किन केयर रूटीन लेते हैं, बस इसके बाद इससे 2 मिनट का मसाज कर लीजिए, चेहरे पे ग्लो आने से कोई नहीं रोक सकता। हफ्ते भर में रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, एज ऑफ साइंस चली जाएगी, झाइयां पिगमेंटेशन चले जाएंगे, चेहरे पे बिल्कुल हाइड्रेशन दिखने वाला है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अच्छा मैं ये बता दूं कि कौन कौन कर सकते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, तो 15 साल की उम्र से लड़का हो या लड़की हो, बड़े हैं आप, 100 तक भी जा रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एज में तो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं अगर चेहरे पे हाइड्रेशन नहीं है, कालापन है या फिर चेहरे पे दाग धब्बे हैं, ये सीरम मैजिक कर देगा, ये मेरा दावा है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे, वीडियो से कोई भी नॉलेज मिल रही है लाइक कर दीजिए, उन लोगों को शेयर करिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय बाय।